तो क्लास टेंथ के एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए यहाँ पर ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो, जो बच्चा पहली बार है उसे भी समझ में आ जाएगा कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंटों की श्रृंखला जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पेपरों की, उसमें से आज अपन सेट सी देखेंगे। अब की बार 90 पार, ये हमारा मिशन है। आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है, अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। दूसरे जो चैनल वाले हैं वो आप सभी को ये भ्रमित कर रहे हैं कि रियल पेपर है, रियल पेपर। बेटा रियल पेपर किसी के पास नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन पेपर बता रहे हैं, ठीक है। 6 पेपर आप पढ़ोगे तो टॉपर बनाने की जवाबदारी मेरी है। रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति जाएगी? तृतीय विभक्ति जाएगी। राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम, तो राजा ना आ जाएगा। द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति फलम, क्या रहेगा? फलम रहेगा। आगे एक वचनस्य रूपम अस्ति, ठीक है। तो एक वचनस्य रूपम का जाएगा राज्ञा, पर्यावरणस्य संरक्षणम का इसका एव हो जाएगा। अधो लिखितेषु अव्ययौ नास्ति, तो अस्तु हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ से, तो पहले का आपका महान, दूसरे में आपको वृषभम भरना है, तीसरा आपका रसालम आ जाएगा, चौथा जो है द्वितीय गति आ जाएगा, पांचवा जो है मुच्यंती आ जाएगा, और छठे में आपका जाएगा द्वितीय। हो गया इतना, ये चीज़ हो गई है। होने के बाद में यहाँ पर अपन युग्म मेलन करेंगे, सही जोड़ी तो भानुदे का दीर्घ संधि, सूर्य सूर्यधन ईशा, जिसमें देखिए गुण बताई जाती है ना, ठीक है। तो वहाँ पे आपका रहेगा ये गुण संधि। दशा नंद में आपका रहेगा बहुब्रीय समास, बानहता का जाएगा तत्पुरुष समास, पंचवटी का आ जाएगा आपका यहाँ पर दिग्गु समास, और पितरों का रहने वाला है आपका द्वंद्व समास। चलिए आप तो जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट लो, कम समय आपके पास में, इसलिए ये सारी चीज़ अपन कर रहे हैं। यहाँ से एक वाक्य में उत्तर है कथिता में, इसमें कत आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा। मैंने पूरा भर दिया है यहाँ, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया। और आम नाम की बात करें तो पहला आपका ना रहेगा, दूसरा ना रहेगा, तीसरा चौथा पाँचवा ये आपका आम आम रहने वाला है, और दुष्कर्मा में आपका ना हो जाएगा। अत्र जीवितम की दृशम जातम दुर्वहम, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती बुद्धि, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसन कठिन वर्तते, और ये आपका आठवां जाएगा यहाँ से। हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 को, ये ठीक है, पूरे भर दिए हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए काकम प्रति कथ्यति हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें भी ध्यान से देखोगे तो पिता पुत्रस्य साग अच्छति पुत्रेन शिवम नमः शिवाय नमः, वृक्ष से पत्राणि पतंती वृक्षात, और बाल का मटके क्या जाएगा? बाल कस्य आ जाएगा। हो गया 14 तक। 14 के बाद में 15 देख लीजिएगा, यहाँ से बढ़िया से करो कंप्लीट आप तो। और दूसरा इसमें आ जाएगा राजपुत्रा, तीसरा जाएगा यथा समय, चौथा बुद्धिमती, पांचवा जाएगा चीते, ठीक है, छठा जाएगा भ्रसम। हो गया इतना। और घटना क्रम क्या है ये देख सकते हैं, भर दिया है ना, ताकि कम समय में जानकारी मिल जाए, यही हमारा उद्देश्य है, और हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। अच्छे से मेहनत करो, रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो, किसी के पास कोई नहीं, मैं भी आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अपन ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 17वां क्वेश्चन है ना, निकाल लेता हूँ मैं इसे पहले। जी हो गया इतना, ये देखिएगा तीनों, तो ये तीनों क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर मिलेंगे आपको। हो गया भैया, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का स्क्रीन शॉट ले लिया क्या? ले लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ से आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा। ये थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा क्या? ये लो, हो गया। ये इसके अथवा वाले का, ये क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में ये इसका अथवा जाएगा यहाँ पे।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो ध्यान से आप, ये 19 हो गया और ये इसको अथवा पहले तो ले लो इसे, आप तो यहाँ तक कंप्लीट करो मामले ही ना। 19 का अथवा भी हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये 20, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखना है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा हो गया। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21,